पंजाब के लुधियाना में एक बार फिर गैस लीक की खबर से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में जहां 11 लोगों ने दम तोड़ा था, उसी जगह आज एक महिला चक्कर खाकर गिरी, तो गैस लीक की खबर से इलाके में दहशत फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जांच कर रहा है। इस बारे में लुधियाना के SDM और NDRF ऑफिसर ने बताया कि इलाके में गैस रिसाव जैसा कुछ नहीं है, सामान्य है। देखो जी, मैं आपके ध्यान में यही लेके आना चाहता हूँ कि यहाँ पे गैस लीक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, दैट लेडी वाज प्रेग्नेंट, वो 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी है। तो नेचुरली घरों में अगर आप किसी की वाइफ का देखा होगा, जब भी प्रेग्नेंट लेडी उसको वॉमिटिंग आती है, उसने हिस्ट्री भी दी वहाँ पे जाके, देखो ब्रेथलेस थी पहले। तो नेचुरली कई बार होता है कि जब कोई वर्कआउट करती है लेडी प्रेग्नेंट, वो गिर जाती है। दैट वाज द इंसिडेंट, शी इज ओके, फिट एंड फाइन, वहाँ पे खा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अभी क्या कि कॉर्पोरेशन ने जो अपने मीटर से अकॉर्डिंगली रिपोर्टें दी थी, उसमें एसिड वैसिड जितने भी गटर्स हमने चेक किए नील आ रही थी। फिर भी क्योंकि लोगों की तसल्ली के लिए हमने टेक्निकल टीम जो NDRF है वो मंगवाई है, वो सैंपल्स ले रही है अपनी कॉन्टिन्यूसली। जो वर्बली मेरी बात हुई है, कह रही कि सर ऐसा कुछ बात नहीं है, बट फिर भी जो वो एज पर द रिपोर्ट हमें दे देंगे। बट मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूँ, लोगों को अपील करना चाहता हूँ, SUS का कुछ भी रोला नहीं है। ये एक नेचुरली जो मन में डर बना हुआ है, उसकी वजह से ये सभी की तरफ एक की इंफॉर्मेशन पहुंच गई, बट डोंट वरी, एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर। आपने कोई क्षेत्र भी फील किया है, जैसे कि बोले जा रहे हैं जी, क्षेत्र को एरिया को फील किया है कोई आपने? जी देखो जी, क्योंकि यहाँ पे पहले इंसिडेंट हो चुका है, फिर हमने 100 मीटर का जो एरिया इंसिडेंटली लोगों को वैक्यूएट करके अपनी टीमें खड़ी कर दी थी। बट है कि एज इट इज हमने जो वैक्यूएट किया, किसी को आने जाने नहीं दे रहे जब तक हमें क्लियर ना हो जाए कि SUS जीरो है। यहाँ पे सुबह एक कोई लेडीज अनकॉन्शियस हुई है किसी वजह से, तो हमने आकर के साइड पे देखा है, ऐसे कोई गैस लीकेज का कोई क्लू नहीं मिला हमें। मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है फिलहाल आपको? हाँ, कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं, नॉर्मल। अब लोग अफवाह में ना पैनिक करें जी, लोग किसी अफवाह में भी ना पैनिक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।